जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल टीम के सबसे सफल कप्तान हैं रोहित शर्मा। टीम इंडिया के भी स्टार बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। जानकारी दे दें कि किस प्रकार से रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस आईपीएल 2020 का पांचवा खिताब जीती है। हर तरफ इनकी जीत के चर्चे हैं। जहां दिल्ली कैपिटल्स भी मजबूत थी, लेकिन बावजूद इसके रोहित शर्मा की बेहतरीन कप्तानी की बदौलत टीम ने पांचवा खिताब जीता है। टीम के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो रोहित शर्मा की लाइफ में उनकी वाइफ का काफ़ी अहम भूमिका रही है। इनकी वाइफ का नाम है रितिका साजदेह। बता दें दोस्तों, रोहित और रितिका की लव स्टोरी काफ़ी रोमांटिक है। रोहित और रितिका साजदेह ने लगभग 6 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 2015 में शादी का फैसला किया था। रितिका साजदेह एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थी और उन्होंने रोहित शर्मा के भी कई असाइनमेंट्स को मैनेज किया था। काम के सिलसिले में ही रोहित और रितिका की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे दोस्ती और प्यार में बदल गई, शादी के मुकाम तक पहुंच गई थी। रोहित शर्मा ने रितिका साजदेह को बेहद खास अंदाज में प्रपोज किया था। रोहित रितिका को प्रपोज करने के लिए बोरीवाली स्पोर्ट्स क्लब के उस मैदान ले गए, जहां उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट खेली थी। रोहित ने 28 अप्रैल 2015 को रितिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद ही रितिका ने सोशल मीडिया में रोहित के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने उनके हाथ में एंगेजमेंट रिंग नजर आई थी। इसके बाद ये कपल मीडिया में छा गया और दोनों के प्यार की खूब चर्चा होने लगी थी। इन दोनों ने 13 दिसंबर 2015 को शादी की थी और 30 दिसंबर 2018 को उनके घर एक नन्ना मेहमान आया था, जो कि थी उनकी बेटी। रोहित ने गौरव कपूर के शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियन में रितिका के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था। रोहित ने बताया था कि उन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी, ये मजाकिया कहानी है, जहां वो कहते हैं कि मैं 20 साल का था, हम एक शूट कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं शूटिंग की जगह पहुँच गया था। युवराज और इरफान पठान भी वहाँ थे, मैं यूवी से उनके ट्रेलर में मिला, क्योंकि वह एक सीनियर खिलाड़ी थे, रितिका भी उसी ट्रेलर में मौजूद थी। लेकिन इससे पहले कि मैं रितिका से बात भी कर पाता, युवराज ने कहा कि मैं उससे बात ना करूं, क्योंकि उनकी यूवी की बहन है, यानी कि उनकी बहन है। इसलिए पूरे शूट के दौरान उससे वो काफ़ी नाराज था और सोचा कि उसमें इतना घमंड क्यों है। रोहित ने कहा कि जब मेरा शूट चल रहा था तो मुझे नहीं पता था कि कैसे बात करनी है, मुझे कुछ डायलॉग्स बोलने थे जिसे मैंने बोलने की कोशिश की और ये ठीक रहा, लेकिन इसके बाद डायरेक्टर आए और कहा कि मेरा माइक नहीं चल रहा है, इसलिए हमें सब कुछ फिर से रिकॉर्ड करना होगा। उन शूट्स के दौरान मैं वहाँ जाता था और रितिका भी वहीं आती थी। उसी दौरान रितिका ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। इस तरह ये सब कुछ शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद उसने मेरे इवेंट्स मैनेज शुरू कर दिए थे। रोहित शर्मा ने इस इंटरव्यू में बताया था कि जब भी वे बैटिंग करते थे तो रितिका काफ़ी नर्वस रहती हैं और फिंगर क्रॉस करके रखती हैं। आईपीएल के फाइनल में भी देखा होगा दोस्तों, तो किस प्रकार से रितिका भी काफ़ी नर्वस थी। भले से ही रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया था, टीम को जीत के करीब पहुँचा दिए थे, लेकिन रितिका काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि जब तक टीम जीत नहीं जाती तब तक वो नर्वस ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आईपीएल के 2-3 वीडियो देखे हैं, जब तक मैं क्रीज पर होता हूं वे अपने फिंगर क्रॉस रखती हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुश था कि जब मैंने 264 रन की पारी खेली थी वो वहां नहीं थी, क्योंकि 50 ओवर के दौरान उसकी उंगलियां हमेशा के लिए मुड़ जाती हैं। रोहित ने बताया कि मैं उनसे रितिका के हर चीज़ की इजाज़त लेता हूं, सिर्फ बैटिंग को छोड़ के, क्योंकि सिर्फ इसी समय मैं उसकी इजाज़त नहीं लेता हूं, क्योंकि आपको तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। तो रोहित शर्मा की यह खास बात है कि किस प्रकार से वो एक कप्तान भी हैं तो वहीं घर के भी मुखिया के तौर पर भी बहुत ही कारगर साबित हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा जैसी लव लाइफ हर किसी के जीवन में हो, और साथ ही साथ जो उनकी वाइफ करती है वो भी हर किसी के जीवन में हर वाइफ भूमिका निभाए, क्योंकि अगर इंसान को कामयाब होना है तो उसकी वाइफ की एक अहम भूमिका रह जाती है उनके जीवन में। तो रोहित शर्मा की लव लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या किसी और क्रिकेट स्टार की खिलाड़ी की लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो बस कॉमेंट कर दीजिएगा दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।